कराची में हुए धमाके पर बड़ी खबर आ रही है। इस धमाके की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली है और इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई डरावनी है। खबर है कि हमला BLA की महिला आतंकी ने अंजाम दिया है और इस हमले में चीन के 3 लोग समेत 4 लोगों की मौत हुई है। मेरे पीछे आइए, आपको मैं तस्वीरें दिखाती हूँ इस धमाके से जुड़ी हुई। जो कराची यूनिवर्सिटी के बाहर ये धमाका हुआ है, ये देखिए इस वक्त किस तरह से महिला खड़ी हुई है इन तस्वीरों में, और ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से कराची में हुए धमाके की न सिर्फ पहले से तैयारी थी बल्कि इसकी जिम्मेदारी इस हमले की बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली है। और इस धमाके में कुल 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 3 जो है वो चीन से ताल्लुक रखते हैं और 1 पाकिस्तान का लोकल बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और कहीं ऐसा तो नहीं है जो बलोच लिबरेशन है वो और भी कई जगहों पर इस तरह से महिला फिदायीन के तरीके से किस तरह से ये हमला किया जा सकता है। जो जानकारी मिल रही है बलोच लिबरेशन ने इस धमाके में, देखिए ये महिला खड़ी है जिसने कराची यूनिवर्सिटी के बाहर इस धमाके को अंजाम दिया है और 4 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। हमला BLA की महिला आतंकी ने अंजाम दिया और इस हमले में चीन के 3 और साथ ही पाकिस्तान का 1 शख्स मारा गया है और इस पर लगातार जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ा धमाका पाकिस्तान में हुआ है और जानकारी ये मिल रही है कि धमाके में 4 लोगों की जान गई है और 4 लोगों में चीन के 3 लोग हैं और 1 पाकिस्तान का है।